अध्यक्ष के तौर पर विधिवत रूप से मैं कार्यालय में कार्यभार ग्रहण किया है। कल हमारा कार्यक्रम हुआ था जिसमें सभी कार्यकर्ता बड़े उत्साहित थे। सभी अपने यहाँ स्टाफ के लोगों से परिचय, सुबह पूजा हवन इत्यादि के बाद माननीय मेरे निवर्तमान अध्यक्ष, वर्तमान में कैबिनेट मंत्री आदरणीय बंसीधर भगत जी ने विधिवत रूप से आज पदभार मुझे सौंपा है। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आने वाला जितना समय चुनाव में बचा है, इस समय का ठीक से सदुपयोग करते हुए बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं को संकल्प के साथ, भाव के साथ और जो टारगेट हमने तय किया उस तक पहुंचने का हम प्रयास करेंगे। 2022 में 2017 से बड़ी विजय प्राप्त हो, इसका प्रयास भी हमारा कार्यकर्ता करेगा। मैं पिछले 3-4 दिन से लगातार देख रहा हूं, सुबह से शाम तक जो कार्यकर्ता मिलने आते हैं दूर दराज, चाहे वो धारचूला से लगाकर, जोशीमठ से लगाकर, उत्तरकाशी से लगाकर, उनमें जो उत्साह है, तो वह उत्साह बताता है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव के लिए पूरी तरह तैयारी के साथ आगे बढ़ना शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा राजनीतिक दल है जो काडर बेस पार्टी है, एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव की तैयारी के लिए कहना नहीं होता, हमारा कार्यकर्ता चार्ज उसी समय शुरू हो जाता है। अन्य राजनीतिक दलों की अपेक्षा अन्य राजनीतिक दल वो 5 वर्ष में इसको एक पर्व के रूप में मनाते हैं, जब 5 साल में चुनाव की तारीखें नज़दीक आती है तब वो जनता के बीच में जाकर और विभिन्न प्रकार की रैली या अन्य प्रकार के माध्यम अपनाकर और जनता के बीच में जाने का प्रयास करते हैं। हम पूरे 5 साल 24 घंटे हमारा कार्यकर्ता जनता के बीच में रहकर उनका समस्याओं को लेकर जूझता है, समाधान कराता है। इसलिए अपने कार्यकर्ताओं के इस जूझने को, इस काम करने के तरीके पर और जनता के उस लगाव के आधार पर मैं कह सकता हूं कि हम 2017 से बड़ी जीत प्राप्त करेंगे। आज इस अवसर पर मैं अपने सभी मित्रों को बधाई शुभकामनाएं देता हूं और निश्चित रूप से अभी मेरे दौरे शुरू हो जाएंगे और आज इसके बाद में गंगा पूजन के लिए भी जाऊंगा और उसके बाद में पहला दौरा मेरा चंपावत, बागेश्वर और पिथौरागढ़, इन 3 जिलों का होगा। कितने दिन मैं